चुप कर यार, तेरी मुंडी पहले से टूटी हुई थी, हमने नहीं तोड़ी। तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में हम इतना बड़ा ड्राइंग करने वाले हैं जो मैंने जिंदगी में नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने थोड़ा सा पहले से बना डाला। इसका एक कहानी है, वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको कहानी सुनना है तो मेरे साथ रह जाइए, जिन लोगों को नहीं सुनना वो लोग जा सकते हैं। रिश्ता क्या ही बनाओ यार, भाग जाते हैं सब लोग, और जो लोग जा चुके हैं उन लोगों से यही बोलना है। वीडियो ऑन किया क्यों, देखना ही नहीं है तो? आए हाय, बहुत हो गया फालतू का बकबक, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, इसलिए माफ कर देना, बिकॉज मुझे ख्याल रखना पड़ता है यार, आपकी जवानी ना चली जाए वीडियो देखते देखते। जस्ट किडिंग यार, मेरा फालतू का बकबक मैं कितना भी करूँ खत्म ही नहीं होता। चलो अब मैं थोड़ा ड्रॉइंग के बारे में बात कर लेता हूँ, कहानी मैं थोड़ी बाद में सुनाता हूँ यार। तो ये ड्राइंग मैंने पूरा ही चारकोल में बनाने का कोशिश किया, मतलब चारकोल सस्ता होता है ना, इसलिए पैसा नहीं था ज़्यादा, इसलिए चारकोल में ही ठीक है। तो मैंने बेसिकली चारकोल पाउडर और चारकोल पेंसिल यूज़ किया है, और चारकोल पाउडर अप्लाई करने के लिए मेकअप ब्रश यूज़ किया। यूज़ होता है ना, लाइक डंगर इंग्लिश भी नहीं आता, मेरी जीप लप लपाई और मेरी इंग्लिश फिसल गई, सॉरी यार, माफ़ कर देना। तो मैं क्या बोल रहा था, वो चारकोल मेकअप ब्रश। तो चारकोल पाउडर अप्लाई करने के लिए मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया, और हाईलाइट देने के लिए नीरेबल इरेजर, और क्या यूज़ किया दिमाग में नहीं आता, हाँ, वो अप्सरा का इरेजर था, वो जो पिन टाइप में आता है, मैकनो या मैकेनिकल ऐसा ही कुछ बोलते हैं। चलिए तेरे से कंटेंट नहीं छोड़ूंगा अब। क्या करेंगे मेरे से, छोड़ यार छोड़। चुप कर, तेरे से पेंसिल शार्प करूंगा ना, लाइक डंगर कहीं का। हाय हाय हाय, लगने मिल गया मेरा बलंगाड़ गड़ दिया। चुप कर यार, तेरी मुंडी पहले से टूटी हुई थी, हमने नहीं तोड़ी। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ यार, चुप कर। मेरी मुंडी टूट गई। तेरी मुंडी टूट गई तो मेरा वीडियो खा जाएगा, वीडियो शुरू करने दे भाई। अब तो तू यही बोलेगा, हम लोगों से कंटेंट नहीं छोड़ लिया तूने। अब ज्यादा बात ना कर, चुप कर अब, चल दफा हो ना, लाइक डंगर कहीं का। चलो मैं ड्राइंग का स्टोरी बता देता हूँ यार। ड्राइंग का स्टोरी बेसिकली है, मैंने इस ड्राइंग को स्टार्ट किया था आई थिंक एक साल पहले, बिकॉज मेरा सेमिस्टर था उस टाइम, मेरा एग्जाम आने वाला था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का नहीं सोचा। बट मुझे ये इसे आर्ट कंपटीशन में देना था जो बहुत दिन पहले ही निकल चुका है। मैंने सोचा आधा हो चुका है, आधा वीडियो बना देता हूँ, आर्ट कंपटीशन तो जा चुका है, उसका तो और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ, और आर्ट कंपटीशन बेसिकली मेरा कॉलेज का था, एग्जाम था ना, इसलिए मैं आर्ट कंपटीशन में मतलब उस टाइम ज़्यादा सोच नहीं पाया, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, इसलिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया आर्ट कंपटीशन में। क्या यार छोड़, जिंदगी में ऐसी चीज़ होता रहता है, चल जा यार तू, ऐसी कंपटीशन को जाने दे, क्या ही होगा, बहुत आएगा जिंदगी में कंपटीशन, कुछ नहीं होता, खुद के साथ कंपटीशन करो यार, लोगों के साथ करने से क्या ही होता है। तो यही कहानी था मेरा आर्ट वर्क का। आप लोगों को कैसा लगा, मुझे बोलते बोलते तो दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा, याद करना पड़ा कहानी में क्या क्या ट्विस्ट हुआ था। चलो यार कहानी भी सुन ली, अब थोड़ा ड्राइंग भी देख लो। इस वीडियो के लिए ये ड्राइंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और एक पार्ट आएगा, उस वीडियो में पूरा बना दूंगा, बनाने का कोशिश करूंगा, ये पूरा होगा क्या पता नहीं यार, ख़त्म ही नहीं होता, इतना बड़ा ड्राइंग है तो क्या कर सकते हैं। देखो यार, तो आज के लिए इतना ही, आपको ये छोटा मोटा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।